दिस इज अनुराग एंड वेलकम बैक टू गीक्स डेन। तो जैसे कि गीक्स डेन पे पहली कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुकी है, इस चैनल पे पहली कॉपीराइट स्ट्राइक, ये कोई खुशी की बात नहीं है कि मैं इतने अच्छे से बता रहा हूँ, मतलब फिर भी मैंने सोचा कि बहुत सारे मेरे यूट्यूबर्स फ्रेंड हैं उनके साथ शेयर कर देना अच्छा रहेगा कि कॉपीराइट के बारे में होता क्या है और कॉपीराइट स्ट्राइक वर्सेस कॉपीराइट जो क्लेम होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि मेरे को क्लेम तो बहुत बार आ चुका है पर इस बार कॉपीराइट मुझे स्ट्राइक ही आ गई है। तो उसके क्या उसके बाद होने वाला है, उसके बाद क्या एक्शन होने वाला है, क्या मेरा चैनल बंद हो जाएगा, जितनी भी बातें ही करेंगे। तो ये देखो, सबसे पहले मेरे लिए तो एक बैड न्यूज़ है कि ये कॉपीराइट स्ट्राइक मेरे चैनल पे पहली बार आया है। वो क्यों आया है वो मैं आपको पूरे वीडियो में बताऊंगा। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा और बताऊंगा कौन सी वीडियो के कारण मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आया, और मेनली देखेंगे कि किसके तरफ से कॉपीराइट स्ट्राइक मुझे भेजा गया है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है और जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले मैं अपनी गलती बताता हूँ वीडियो में कि मैंने क्या गलती करी थी जिससे मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आया। तो अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि वीडियो रिमूव फ्रॉम यूट्यूब और कॉपीराइट स्ट्राइक किस पे आया है, वो वीडियो दिखा रही है। एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें टाइटल था फौजी ट्रेलर आगे सबसे बेस्ट गेम होने वाला है। तो इसमें मैंने क्या किया, गलती मेरी ये थी कि फौजी ट्रेलर मैंने सर्च किया यूट्यूब पे, फौजी ट्रेलर उसमें सबसे पहले एक वीडियो आई, ठीक। तो मुझे ये लगा कि ये फौजी की मतलब ऑफिशियल या फिर ट्रेलर आ चुका है, तो मैंने उसी वीडियो को क्या किया, डाउनलोड करके अपने मतलब रिव्यूज देके उस ट्रेलर को अपने चैनल पे डाल दिया। पर बात वो थी कि गलती मुझसे ये हुई कि मैंने ज्यादा रिसर्च नहीं करा और डायरेक्ट यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करी और वहां पे यूट्यूब पे अपने रिव्यूज देके डाल दिए। पर वहां मतलब मेनली जो वो वीडियो एक महीने बाद कॉपीराइट स्ट्राइक आई है। अगर मैं देखूं, अगर यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि चैनल वायलेशन 1/3, मतलब ऐसा रहता है कि कॉपीराइट स्ट्राइक में अगर आपको 3 कुछ महीनों में या फिर कुछ जल्दी से जल्दी आ गई तो आपका चैनल डिसेबल कर दिया जाता है। तो अभी अपना चैनल डिसेबल नहीं होगा। देखो कॉपीराइट स्ट्राइक्स में आपको दिखाएगा नीचे अगर मैं आऊँ तो स्ट्राइक ऑन अक्टूबर 2, जो कि वीडियो ये बहुत पहले एक महीने पहले लगभग की डली हुई है, पर एक महीने बाद मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आई और ये एक्सपायर होगी 31 दिसंबर को, ये कॉपीराइट स्ट्राइक हटेगी। और लिखा गया कंटेंट रिमूव्ड बाय पबजी कॉर्पोरेशन, मतलब पबजी की तरफ से मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक दी गई है कि मेरे से ये गलती हुई कि मैंने उनका पबजी वालों का ट्रेलर जो कि फौजी दूसरे यूट्यूब वाले ने डाला था तो वो मैंने डाउनलोड करके अपने में दिखा दी, जो कि देख सकते हो आप। वो वीडियो 6 मिनट की थी, मैंने 3 से 7 मिनट से लेके 5 मिनट इतने तक मैंने वीडियो दिखाई थी और फिर अपने रिव्यूज दिए थे। तो अभी देखो वो वीडियो वैसे यूट्यूब से हटा दी गई थी, डिलीट कर दी गई थी, फिर भी मैंने अपनी वीडियो चैनल से डिलीट फॉर एवर कर दिया और आप यहाँ देख सकते हो कंटेंट यूज ये सब लिखा है। अब देखो कॉपीराइट स्ट्राइक से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक ही वीडियो थी जो मैंने ऐसा उसमें अपलोड करी थी तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर बात यह कि आपको अगले मतलब जो मेनली मेरा एक्सपीरियंस है कॉपीराइट स्ट्राइक को लेके वो मैं बता रहा हूँ। जैसे कॉपीराइट क्लेम तो आसान होता है, वहाँ पे आप मतलब कॉपीराइट क्लेम में आप अपने तरीके से वो भी कर सकते हो कि जो भी पार्ट में क्लेम आ रहा है उसको आप कट कर सकते हो, उससे मोनेटाइज नहीं होगा। पर स्ट्राइक से ये कि अगर आपको 3 मंथ्स में स्ट्राइक लगातार आ गई तो फिर आपका चैनल डिसेबल हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी। अब देखो मेनली जनरली मैं बात करूँ कि इसके बाद हुआ क्या, मेरे को मेल आया और ये प्रॉब्लम नोटिफिकेशन वगैरह आई, पर जब मैं मोबाइल पे अपना स्टूडियो खोल रहा था, अपना जो अपना YT स्टूडियो होता है मोबाइल पे तो खुल रहा था अच्छे से, मतलब मोबाइल पे खुल रहा था और वहाँ पे दिया था कि दिस वीडियो इज ब्लॉक्ड। बट जब मैं डेस्कटॉप में अपने लैपटॉप पे क्रोम में खोल रहा था YouTube, तब नहीं खुल रहा था, पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा था। वहाँ पे ये दिखा रहा था कि ये जो YouTube कॉपीराइट स्कूल एक इनका बनाया गया है उसके क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, 4 क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करने पड़ेंगे, जब आपके 4 सही होंगे तब आपको आप मेरा YT स्टूडियो ये खुला था, ये चैनल डैशबोर्ड में दिखा दूं, ये मेरा खुल नहीं रहा था ये वाला इंटरफेस पूरा। इस जब मैंने ये अपना YouTube कॉपीराइट स्कूल का पूरा ये जो 4 क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ऐसे 4 क्वेश्चन आते हैं, आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं, मतलब ट्रू फॉल्स रहते हैं, अगर आपको टिक करना रहता है MCQ टाइप्स के, अगर वो 4 सही हो जाते हैं तब फिर आपका चैनल डैशबोर्ड खुलता है। हाँ, और ऐसा भी कुछ नहीं होता कि आपको कोई लिमिटेड टाइम या फिर लिमिटेड बार खेलने के लिए, मतलब खेलने नहीं सॉरी चेक करने के लिए ट्रू फॉल्स करने के लिए दिया जाता है, आप जितने बार चाह के ट्रू फॉल्स कर सकते हैं।
तो मैंने 4 से 5 बार में निकाल देता। नॉर्मली जनरली क्वेश्चन आते हैं कि कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों देते हैं, कौन देता है, नॉर्मली बात। तो ठीक है, तो ऐसे फिर उसके बाद जब मेरे चारों ट्रू हो गए तब उसके बाद मेरा चैनल खुल गया। तो देखो ये वीडियो बनाने का मेन मेरा मोटिव ये था कि मेरा क्या कॉपीराइट स्ट्राइक को लेके मेरा क्या एक्सपीरियंस है वो आपको बता देना जरूरी है। क्रोम की स्पेलिंग गलत है वैसे, बनती है मुझे। हाँ तो देखो जरूरी है, अब ऐसी और कोई भी वीडियो नहीं है जिससे कॉपीराइट स्ट्राइक आ सके। और ये कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी पबजी की तरफ से, और इतनी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यूट्यूब स्कूल में मैंने थोड़ा बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, फिर उसके बाद मेरा वो भी खुल गया YT स्टूडियो, उसमें भी खुल गया क्रोम में, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। पर अब मैं मेक श्योर करूंगा कि मुझसे ऐसी गलतियां ना हो। मैं हर चीज़ रिसर्च करके, मेरी ये गलती थी कि मैंने ट्रेलर बिना के रिसर्च करके मतलब डाल दिया था यूट्यूब पे। तो अब मैं मेक श्योर ये ज़रूर करूंगा कि अब से ऐसा प्रॉब्लम ना हो। तो बस आज की वीडियो बस यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे लगा कि आपको सब चीज़ें बता देनी चाहिए कि क्या कैसा मेरे साथ हुआ कॉपीराइट स्ट्राइक को लेकर। कॉपीराइट क्लेम में तो कोई दिक्कत नहीं होती, कॉपीराइट स्ट्राइक ही मेन होती है कि आपने 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई तो आपका अकाउंट डिसेबल हो सकता है। तो बस आज की वीडियो बस यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक और वर्सेस कॉपीराइट क्लेम के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे एक सेपरेट वीडियो भी बना सकते हैं। तो बस आज की वीडियो बस यहीं खत्म करते हैं, और हैव अ गुड डे एंड गुड बाय, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और भी ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, और कोई टेंशन वाली बात नहीं यार। कॉपीराइट स्ट्राइक एक ही वीडियो मेरे से गलती से डाल दिया था मैंने। हाँ देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लास्ट में वेबसाइट खुली गई, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको चारों, जब आप सॉल्व कर देते हो कंटिन्यू करोगे तो अब ऐसे YT स्टूडियो खुल जाता है। ये कॉपीराइट स्कूल का एक इनका अलग प्लेटफॉर्म है। तो बस लास्ट में ये जो इन्फॉर्मेशन बाकी थी वो भी आपको दिख गई, और मैंने आपको दिखा दी कैसे क्वेश्चन आते हैं। बस वीडियो खत्म करते हैं यहीं पे, एंड हैव अ गुड डे एंड गुड बाय वंस अगेन।